हेलो फ्रेंड्स जॉन गाल्सवर्दी को लेकर ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आगे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जैसा हम एज यूजुअल करते हैं तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपका ये आज का लेक्चर है तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस द आइलैंड फारसीज हैज़ बीन रिटर्न बाय किसने लिखा फ्रेंड्स डेफिनेटली आयर फारसीज ये गाल्सवर्दी का वर्क रहा है यू you नो know. और हु इज़ हेरोड क्लीवर इन गाज फॉर दी जस्टिस जस्टिस में हरोड क्लीवर कौन है तो फ्रेंड्स जस्टिस मेरी राय है जस्टिस और स्ट्राइफ दोनों को आप डीपली पढ़ लें और चैनल पर देखिए पॉसिबल हुआ तो मैं भी इसको दे दूंगा एग्जाम से पहले तो क्लीवर और हेरोड क्लीवर की अगर बात करें तो ये क्या है जज गवर्नमेंट काउंसिल डिफेंस काउंसिल और मैनेजिंग क्लॉक तो ये फ्रेंड्स एक गवर्नमेंट काउंसिल है कौन क्लीवर रियल विलन इन गल्सवर्दीज प्लेज आर रियल विलन कौन होते हैं गाजवर्दी के नाटकों के मेल कैरेक्टर सोशल इवल फीमेल कैरेक्टर तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर गाजवर्दी के प्रॉब्लम प्लेज में बात करें सारे प्रॉब्लम ही लिखे हैं तो सोशल ईवल्स वहाँ रियल विलन वहाँ होती है बाकी कोई मेल या फीमेल कैरेक्टर विलेन नहीं दिखाया जाता फर्स्ट प्ले मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट किस प्ले ने गाल्सवर्दी को प्ले राइट के रूप में फेमस कर दिया तो जस्टिस लॉयल्टी सिल्वर बॉक्स तो डेफिनेटली फ्रेंड्स नाम सिल्वर बॉक्स का आता है लव कूड नेवर कम टू फुलटी ऑन टिल इट इज डिस्ट्रॉयड कि लव जो है वो फुल फुलटीन नहीं होता फुल प्रोटीन से मतलब वो फलीभूत नहीं होता जब तक कि विनाश ना कर दे बड़ी प्यारी लाइन कह दी फ्रेंड्स बड़ी प्रैक्टिकल लाइन और डेफिनेटली ये कौन से प्लेस से है? ये फेटर्निटी से लाइन ली गई है क्लियर फ्रेंड्स जस्टिस इज अ मशीन दैट वन समवन हैज गिवन इट द स्टार्टिंग पोस्ट रोल ऑन इट जस्टिस को मशीन कहा है और डेफिनेटली बात जस्टिस की हो रही है तो प्ले भी कौन सा होगा फ्रेंड्स ये जस्टिस ही है गर्ल्स वर्दी रेपुटेशन एज ए नॉवलिस्ट वॉज एस्टब्लिस्ड बाय रेपुटेशन की बात करें एज ए नॉवलिस्ट तो वो रेस्ट होती है फ्रेंड्स किस पे फोर साइड सागा चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट की जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज़ ही अपीयर देखिए जॉन बिल्डर और जॉन बिल्डर की बात करें तो ये आ, कौन से प्ले में हैं फैमिली मैन एल्डसन और मैन ऑफ प्रॉपर्टी या इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स जॉन बिल्डर की अगर बात करें तो ये करैक्टर है द फैमिली मैन में, में। क्लियर फ्रेंड्स देखिए करैक्टर अक्सर पूछे जा रहे हैं तो जो आ, इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं उनके आप करेक्टर कम से कम जो दो चार करेक्टर जरूर याद कर लें हर प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स अ वूमेंस स्काई ब्लू वेलबेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील देखिए सिल्वर बॉक्स की बात करें तो डेफिनेटली ये जो प्ले है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है तो जैक बार्थविक जो है वो क्या करता है एक वुमन का स्काई ब्लू पर्स चुरा लेता है जबकि जॉन क्या चुराता है सिल्वर कॉइन सिल्वर बॉक्स दैट हैज कोइंस अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स और नन ऑफ दीज तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सिल्वर बॉक्स बी वाले ऑप्शन को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं एक सिल्वर बॉक्स जिसमें कॉइंस थे लेकिन ऐसा नहीं है वो क्या चुराता है ए सिल्वर सिगरेट बॉक्स सिल्वर सिगरेट बॉक्स जो है वो चुराता है ऑन जॉन जैक क्या चुराता है एक पर्स अ वुमन डेड एंड टू बेस्ट मैन बॉथ ब्रॉकन एक महिला मर गई और जो सबसे अच्छे व्यक्ति थे दो वो ब्रॉकन हो गए हु इज द स्पीकर हार्नेस इन स्ट्राइफ रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ हार्नेस इन स्ट्राइफ और फाल्डर इन जस्टिस क्लियर फ्रेंड्स तो ये तो ऑप्शन मुझे लग रहा है दोनों रिपीट हो गए हार्डनेस इन स्ट्राइव हार्डनेस इन स्ट्राइव तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हार्डनेस था और हार्डनेस ने स्ट्राइव में ये जो कमेंट हैं वो किया था तो ऑप्शन आप ए या सी दोनों में कोई भी मान लीजिए क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके ओके हैं विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के अनुसार किस प्ले ने एक ग्रेट सेंसेशन और कहाँ सेंसेशन पार्लियामेंट्री ऑफिशियल के किया तो कौन से प्ले की हम बात हो रही है फ्रेंड्स जस्टिस स्किन गेम और मॉब और एल्डसन देखिए ऑप्शन ये चारों ऑप्शन जो है ये गर्ल्स वर्दी के अकॉर्डिंग है गर्ल्स वर्दी के अकॉर्डिंग कौन से प्ले ने एक सेंसेशन मचा दी और कहाँ मचा दी फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से मिल जाएगा पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल में भाई पार्लियामेंट में और ऑफिशियल्स में अगर कोई प्ले सेंसेशन मचा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ किस बात कौन सा प्ले होगा देखिए स्किन गेम जस्टिस मॉब और एल्डरसन तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बात यहाँ जस्टिस की हो रही है क्लियर फ्रेंड्स नो no डाउट अगर आपने जस्टिस नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आप एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ जो दुनिया है गार्सवर्दी के प्लेस की वो अलग है और जो दुनिया शेक्सपियर के प्लेस की थी वो अलग थी डेफिनेटली शेक्सपियर सुपीरियर था वर्स प्लेस टाइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट जस्टिस वॉर्स एंड क्लास डिस्टिंक्शन तो गाल्सवर्दी का जो फेमस प्ले है सिल्वर बॉक्स सॉरी नीचे वाला नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे गाल्सवर्दी प्ले स्ट्राइफ स्ट्राइफ का क्या सब्जेक्ट रहा है फ्रेंड्स तो स्ट्राइफ के सब्जेक्ट की बात करें तो लेबर डिस्प्यूट जस्टिस वॉर और क्लास डेक्शन तो स्ट्राइफ में बात किसकी की है फ्रेंड्स लेबर डिस्प्यूट्स की बात हुई है गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद सिल्वर बॉक्स में क्या डील किया है किस बात को बताया है इन इक्वालिटी ऑफ पावर इनक्वालिटी ऑफ जस्टिस लेबर या मनी डिवीज़न तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इनक्वाली ऑफ जस्टिस दिखाई है और इनक्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या है भाई जो पर्स चुरा रहा है उसकी सज़ा अलग है और जो चुरा रहा है क्या सिल्वर बॉक्स उसकी सज़ा अलग है तो डेफिनेटली इनजस्टिस ही है जो यहां जस्टिस में गार्ल्सवर्दी बता रहे हैं चलिए फ्रेंड्स गार्ल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद इन ऑफ जस्टिस शायद सेम क्वेश्चन है अच्छा ऊपर वैसे दे दिया और नीचे ब्लैंक में दे दिया कोई बात नहीं फ्रेंड्स होने दो विच नावल ऑफ़ गार्ल्सवर्दीज कंसीडर टू बी इज़ मास्टर पीस कौन से नावल को मास्टर पीस माना जाता है देखिए पीजियन फ्लावरिंग विल्डरनेस आइलैंड फारसीज और इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर गार्ल्सवर्दी के नावल की बात करें पहली बात तो नावल की और दूसरी मास्टर पीस की करें तो नाम निकल के आता है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट जो उन गाल्सवर्दीज नावल आर चीफली अक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इफ़ेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाई देता है जो उन ग्सवर्दीज के नॉवल्स में और वो कहाँ दिखाई देता है फ्रेंड्स देखिए इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी और क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर काल स्वर्दी के नॉवल्स की बात करें तो उनमें जो है क्लास ट्रेडिशंस दिखाई देते हैं अपॉन सोसाइटी तो सी वाला ऑप्शन आपका ओके okay हो गया म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन कौन से प्ले में दिखाए गए हैं देखिए एक प्ले जस्टिस है जस्टिस में दोनों सीन हैं म्यूट सीन और ट्रायल सीन लाइज वॉट इट इज़ अ मेजिस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ़ अस लाइक ऐसा मैजस्टिक एडिफाइस है एक ऐसा मजस्टिक uh, एक टावर है जिसकी शरण में हम सब रहते हैं तो कौन कहता है इस बात को जस्टिस में तो डेफिनेटली फिर द जज सॉलिसिटर विलियम फॉल्डर या स्वीडल ये जो स्टेटमेंट रहा है इस बात को कौन कहता है जस्टिस में जज कहता है लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बींग ओनली फ्रॉम एन इमपर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज इफ देयर बी सच ए थिंग एम आई गोइंग टू गेट एन इवन अप्रोक्सीमेटली एट द ट्रूथ हु सेट किसने कहा इस बात को Let me have no temperament for the first being, time being, only from the impersonal point of view, if there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth? Shah Ibsen, Galsworthy, see the clear-cut answer, friends, Galsworthy. Galsworthy is by nature cold, impartial, judicial. ही कैन प्रजेंट ऑन द स्टेज द क्लैश ऑफ character, एंड character, struggle द स्ट्रगल ऑफ़ द पुअर एंड रिच एंड ही नेवर beam द बीम ऑफ जस्टिस विद finger. फिंगर हुट इट बड़ा प्यारा कमेंट कहा है गल्सवर्दी को लेकर कॉल्ड इम्पार्शियल जुडिशियल बता दिया कि वो एक करेक्टर में कैरेक्टर करेक्टर से करेक्टर में पुअर रिच का एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्ट्रगल है वो दिखा सकते हैं ऑप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स ऑलिवर इटोन इब्सन कम, कम पॉन्ट रिकेट एंड विलियम हैरोल्ड तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ ये बात हो रही है अगर हम कमेंट की बात करें तो हैरोल्ड का ये क्रिटिकल रिमार्क ये रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटर्न बाई गार्ल्स देखिए ज़रा किसका कौन सा प्ले नहीं लिखा गर्ल्सवर्दी ने सिल्वर बॉक्स जॉय वीवर तीनों हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली डॉल्स हाउस नहीं लिखा डॉल्स हाउस बताइए मुझे किसने लिखा है इब्सन ने लिखा है या जी शाह ने लिखा है चॉइस में दे देता हूँ आपको इब्सन या जी शाह कमेंट करके ज़रूर मुझे इसका आंसर बताइए आप द लिटिल मैन रिटर्न माई गर्ल्सवर्दी इज़ आ लिटिल मैन क्या था गर्ल्सवर्दी का पोए नॉवल तो लिटिल मैन तो फ्रेंड्स डेफिनेटली क्या था एक गर्दी का द लिटिल मैन विच प्ले डील्स विद एडिकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो इन एडिकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टू वर्ड्स एंड एस्केब्ड प्रिजनर देखिए अगर यहाँ जस्टिस वो दे देता ऑप्शन में तो डेफिनेटली आप गलत कराते जस्टिस देख के जस्टिस मार्क कराते हैं पहली बात तो इस जस्टिस से यहाँ जस्टिस नहीं दिया तो एक चीज़ कि यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो खत्म है हुआ ही नहीं और दूसरी चीज़ ये है फिर कि चलिए जस्टिस से आप नहीं समझ पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की इन एडिकेसी मीन्स जो न्याय है न्याय की अपर्याप्तता और डिफरेंट टाइप्स के लोगों का एटीट्यूड स्केब्ड प्रिजनर के प्रति किसके प्रति स्केब्ड जो प्रिजनर्स हैं उनके प्रति तो फ्रेंड्स बात करें तो इस्केप द मॉब द लॉयल्टीज द स्किन गेम तो कौन से प्ले की यहाँ बात हो रही है डेफिनेटली स्केब्ड प्रिजनर की बात है तो स्केप ही इसका आंसर है टाइटल स्ट्राइफ ड्रामा बिटवीन लवर इन एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्राइक या तो स्ट्राइफ क्या बताता है फ्रेंड्स स्ट्राइफ तो ड्रामा बिटवीन लवर्स नहीं है इन पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है स्ट्राइफ में डेफिनेटली हाँ स्ट्राइक की जरूर बात होती है वार की भी नहीं होती तो सी ऑप्शन आपका ओके okay हो गया हाउ बीसली वीमेन आर टू ईच अदर कितनी महिलाएं एक दूसरे से कैसी बीस्टली होती हैं ये लाइन कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स हाउ बीस्टली वीमेन आर ईच अदर टू ईच अदर रूफ स्किन गेम विंडो विन ऑफ दीज डेफिनेटली ये लाइन विंडोज से आई है फ्रेंड्स देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो और अधिक करेज दे जीवन में आयरनी को देखने के तुलना में वेयर डज दिस लाइन अपियर ये लाइन कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स द पीजियन रूफ स्किन गेम और विंडोज तो अगर बात करें देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज तो लाइन तो ये मुझे लग रही है फ्रेंड्स पीजियन की पीजियन इसका आंसर होगा हु इज गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस सॉलिटरी पनिशमेंट किसको दिया जाता है अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आ, बार बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन तो फाल्डर एडवर्ड क्लीमेंट वूडर और मोनी तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सॉलिट्री जो कन्फाइनमेंट है सॉलिट्री जो पनिशमेंट है आ, वो किसको दिया जाता है वो फाल्डर को दिया जाता है जॉन एंथनी इज़ द चेयरमैन ऑफ जॉन एंथनी कहाँ का चेयरमैन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल भी है द आर्था टिन प्लेट वॉक द ग्लोबल इंडिया टिन इंटरनेशनल नन ऑफ दीज तो डेफिनेटली फ्रेंड्स स्ट्राइक की बात होती है तीन आर्था टिन प्लेट वर्क में होती है और जो चेयरमैन है वो कौन है जॉन एंथनी गास्ज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ किसका चीफ एक्सपोनेंट है किसका समर्थक है गास्वर्दी तो किसका है भाई प्रॉब्लम प्ले रोमांटिक टेल्स या एडवें टेल तो डेफिनेटली फ्रेंड्स योर आंसर विल बी प्रॉब्लम प्लेज नो वन विल टच हिम नाउ अब उसको कोई भी टच नहीं करेगा नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जीसस कि वो सेफ है जेंटल जीसस के साथ तो कौन से प्ले की बात हो रही है फ्रेंड्स अब कैरेक्टर देख के आप समझ गए होंगे फाल्डर अबाउट कॉकसन कॉक्सन अबाउट फाल्डर रूथ अबाउट फाल्डर और नन ऑफ दीज क्लियर फ्रेंड्स फाल्डर ऊपर भी जिक्र हुआ था समझ गए कि नहीं समझे चलिए आंसर इसका डिस्कस कर लेते हैं नो वन विल टच हिम नवर अगेन ही सेफ विद जेंटल जीसस तो यह कॉक्सन बात कर रहा है और किसके बारे में फाल्डर के बारे में बात कर रहा है अ मैन डजेंट सकम लाइक दैट इन द मोमेंट इफ ही इज अ क्लीन माइंड एंड हैबिट्स ही इज रॉटन गॉड द आइज ऑफ अ मैन हु कैन कीप हिज हैंड्स आउट वेन देयर्स मनी अबाउट इट दिस इज द स्पीच ऑफ़ जेम्स अबाउट जेम्स कह रहा है किसके बारे में कह रहा है फ्रेंड्स कॉक्सन वाल्टर हो या फाल्टर देखिए ये जो स्पीच है ये पहले मीनिंग समझने ज़रा अ मैन डजेंट सकम लाइक दैट इन अ मोमेंट कि इस, इस तरह से आदमी को सकम वशीभूत नहीं हो जाना चाहिए इफ़ ही इज अ क्लीन माइंड एंड हैबिट्स अगर वो बिल्कुल क्लीन माइंड है क्लियर फ्रेंड्स इतने से ही हिंट आपको मिल गया होगा तो डेफिनेटली अगर बात करें तो ये किसके बारे में है ये फॉल्डर के बारे में बातें कही गई हैं द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज सटरिकल इन अप्रोप्रिएट वेग और आयरनिकल तो फ्रेंड्स बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आया है टीजीटी में कि जस्टिस का टाइटल है वो कैसा है अच्छा अब बात करते हैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जस्टिस टाइटल दे दिया गाल्सवर्दी ने न्याय तो क्या प्ले में न्याय होता है उसमें नहीं होता मीन्स जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा न्याय होना चाहिए था क्योंकि टाइटल दिया है न्याय लेकिन न्याय वास्तव में नहीं होता तो टाइटल कैसा हो गया ऐसे टाइटल को आप सेटाइरिकल कहेंगे इनअप्रोप्रिएट कहेंगे वेग या आयरनिकल तो डेफिनेटली ये क्या है फ्रेंड्स ये एक आयरनिकल एक टाइटल है बात क्लियर और देखिए जस्टिस के माध्यम से क्या चाहते थे काल्सवर्दी का पर्पज क्या था कि जो प्रीजन्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके इन विच ईयर जस्टिस पब्लिस पब्लिस कब हुआ था जस्टिस नाइनटीन टेन फाइव ट्वेल्व एट तो चार ऑप्शन आपको मिल गए बताइए ये हुआ था नाइनटीन टेन में उन्नीस सौ दस में जस्टिस जॉन बिल्डर इज़ एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज ही अपीयर जॉन बिल्डर कौन से प्ले में है फैमिली मैन में, में है ऊपर क्वेश्चन आ गया था फ्रेंड्स ये शायद अब भाई जो कोई क्वेश्चन अगर दो बार आ जाता है तो डेफिनेटली अगर वो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मिल जाए तो वहाँ गलत नहीं होना चाहिए बस क्योंकि क्वेश्चन एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो उसका रिवीजन आपका वहीं हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स द सेंटेंस जस्टिस शोज़ प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस क्या प्रॉब्लम दिखाता है ब्रिटिश सोसाइटी इंग्लिश लीगल सिस्टम अमेरिकन लीगल सिस्टम या स्कॉटिश सोसाइटी तो जस्टिस क्या दिखा रहा है भाई बताइए देखिए सी डी में से तो कुछ है ही नहीं डेफिनेटली ना अमेरिकन है ना ब्रिटिश है स्कॉटिश है अब ब्रिटिश है और इंग्लिश लीगल सिस्टम है इन दोनों में ज़रा आंसर गैस कर लीजिए तो लीगल सिस्टम दिखाता है ठीक प्रॉब्लम ब्रिटिश सोसाइटी की नहीं दिखाता प्रॉब्लम दिखाता है लीगल सिस्टम की जस्टिस तो आंसर शुड बी बी आगे बढ़ जाते हैं हु इज़ हेरोड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस हेरोड क्लीवर कौन है फ्रेंड्स जस्टिस में हरोल्ड क्लीवर अ गवर्नमेंट काउंसिल डिफेंस काउंसिल जज या मैनेजिंग क्लर्क तो हेरोड क्लीवर जो है डेफिनेटली क्या है एक गवर्नमेंट काउंसिल है कहाँ गाल्सवर्दी के जस्टिस में है स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक टू विटमेन स्ट्राइफ में क्या कॉन्फ्लिक्ट भाई पुअर एंड रिच लेबर एंड पुअर मैन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स और नन ऑफ दीज तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो स्ट्राइफ में कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देता है पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सॉल जॉन गार्ल्स वर्दी इज अ पोएट एक पेंटर है फिजिकल यूनिवर्स का सॉल का और एक गाल्सवर्दी क्या है एक पोएट है ये कमेंट किसका है कॉमटर रिकेट है लुइस कजामियन है सैमसन है या नन ऑफ दीज तो ये गार्ल्सवर्दी को एक पेंटर कहा है फिजिकल यूनिवर्स का तो वो कहा है फ्रेंड्स ऑप्शन मैंने पढ़ दिए वो कहा है लुइस कजामियन ने Which play is a study of racial pride and social convention? Racial pride और social convention की study कौन सा play है Skin game, mob, silver box या loyalties? तो डेफ डिफ्रेंस अगर देखिए रेशियल प्राइड की बात करते हैं या सोशल convention की बात करते हैं तो फिर नाम आता है सिल्वर बॉक्स मोब स्किन गेम इन तीनों में किसी का नहीं आता फिर नाम आता है आपका लॉयल्टीज़ का जैक बार्थविक अपीयर्स इन चलिए मैं तो फॉल्डर को ही पूछ रहा था अब जै जे, जैक बार्थविक भी आ गया तो जैक कौन से प्ले का पार्ट है कौन से प्ले में है जस्टिस फेटर्निटी सिल्वर बॉक्स या नन ऑफ दीज कहीं आपका आंसर जस्टिस तो नहीं फ्रेंड्स जैक या सिल्वर बॉक्स बताइए फटाफट डेफिनेटली आंसर आपका है सी द सिल्वर बॉक्स जस्ट एंड स्क्रीन शॉर्ट हो गया इसका आंसर हो गया क्लियर चलिए तो सिल्वर बॉक्स का कैरेक्टर है जैक बार्थविक ऊपर आया था एक क्वेश्चन जैक बार्थविक क्या चुराता है ठीक है फ्रेंड्स देखिए बहुत सा इन क्वेश्चन से पूरे प्ले की समरी तैयार हो जाएगी आपको इन विच ईयर गार्ल्सवर्दी अवार्डेड द नोवल प्राइज तो गार्ल्सवर्दी के मुंह में कितने दांत थे भैया कितने दांत होते हैं अमूमन थर्टी टू तो बत्तीस दांत थे तो उन्नीस सौ बत्तीस में नोबल प्राइज मिला इन द प्ले बाय जॉय अ गर्ल हु इज सीनियर बाय थ्री इयर्स थ्री इयर लवर्स लव्जॉय नेम द गर्ल इन द प्ले जॉय जॉय की बात हो रही है अ गर्ल हुई सीनियर बाई थ्री ईयर जो तीन साल बड़ी है वो प्रेम करती है जॉय से तो उस लड़की का नाम क्या है जो जॉय से प्रेम करती है फाल्डर कर्नल होप जॉन बिल्डर या डिक मैटॉन तो किसकी कहानी है फ्रेंड्स जॉय कहानी है जॉय की और डिक की क्लियर फ्रेंड्स कर्नल होप कर्नल होप कौन से प्ले में है भाई अभी तो कहीं जिक्र किया था कर्नल होप का एल्डर सन एल्डेस्ट सन द मोव जॉय या नन ऑफ दीज तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये कर्नल होप कहाँ है ये जॉय में है द डार्क फ्लाराई जॉन गाली इज अ डार्क फ्लॉर क्या है दार्क फ्लावर विच प्ले विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्टिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर बहुत बार क्वेश्चन आता है कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच कॉन्फ्लिक्ट और किस प्ले का हिस्सा रहा है ये रहा है स्ट्राइफ़ का हिस्सा हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ़ लीडर कौन है भाई डेविड रॉबर्ट्स जॉन बर्गलिन्री थॉम्स और नन ऑफ दीज तो लेबरर्स का जो लीडर है वो कौन है फ्रेंड्स डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने तो रॉबर्ट डेविड रॉबर्ट्स है ग्रेन वाइल बार्कर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिस स्टेज ऑफ गर्ल्स फॉर दीज फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्टन आइडेंटिफाई दन आउट अब देख लीजिए राव कशन पढ़ के ग्रेनविले वार्कर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिस स्टेज ऑफ द गर्ल्ल्स फॉर दीज फॉलोइंग प्लेज मीन्स इन प्लेज को अगर स्टेज किया तो उनका इंट्रोडक्शन ग्रैनबली बारकर ने दिया यहाँ किसको स्टेज नहीं किया उसकी बात कर रहा है इन तीन में से जस्टिस सिल्वर बॉक्स स्ट्राइफ या लॉयल्टीज तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बाकी तीनों थे जो सिल्वर बॉक्स में ये नहीं था। सेवरल ऑफ गर्ल्स वर्दीज अर्ली वर रिटन अंडर स्यूडोनिम किस स्यूडोनिम से लिखे गए जॉनसिन आइजक जॉनसिन जॉन इलिया तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जॉन सिंजॉन था यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज विद मॉरलिटी एंड होप टू गेट स्कोर फ्री इफ सोसाइटी डिडंट टेक केयर ऑफ इट सेल्फ बड़ी वुड द सूनर यू रियलाइज दैट द बेटर कौन से प्ले की बात हो रही है भाई mob elder son strive for justice the friends definitely a justice key line hai. education is simply running the lower classes it unsettles them and that's the worst for us all i see an enormous difference in the manner of servants who is the, uh, who where do these lines appear अब एजुकेशन इज संपली रन ज्यूनिंग द लोअर क्लासेज शिक्षा है वो छोटी क्लासेज को ख़राब कर रही है इट अनसेटल्स देम देखिए कि वो उनको सेटल नहीं करती अब एक मजदूर है यहाँ ये यह कहना चाह रहा है कि भाई उसको शिक्षा ख़राब कर रही है अब वो मजदूरी छोड़ के स्कूल चला जाए तो डेफिनेटली उसका नुकसान होने वाला है तो वो उसको सेटल नहीं कर रही वो उसको अनसेटल कर रही है ऐसा मानना है किसी कैरेक्टर का तो कौन से प्ले की ये लाइन है द रूफ स्किन गेम विंडोज और सिल्वर बॉक्स तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लाइन मुझे सिल्वर बॉक्स की लग रही है द लॉ इज वॉट इज द मैजिस्टिक एडिफाइ सेल्टरिंग ऑल ऑफ अस और ये किसकी लाइन है अभी ऊपर क्वेश्चन आया था अच्छा ये कहाँ से ली गई ऊपर क्वेश्चन आया था किस कैरेक्टर ने कहा है क्लियर फ्रेंड्स और यहाँ आपका आंसर है क्वेश्चन uh, है वो चेंज है तो ये लाइन कौन से प्ले से ली गई है जज ने कहा था क्लियर है याद हो तो आपको चलिए मैं नहीं बताता तो द रूफ स्किन गेम विंडोज जस्टिस तो कहाँ से ली गई है भाई लाइन डेफिनेटली जस्टिस से लाइन ली गई है और द हीरोज ऑफ गाजर्दीज ड्रामाज आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट विच वी पुअर मॉरटल्स कैन बट पिटीफुली क्राई आउट ऑफ द मोमेंट्स ऑफ डिस्प्रेशन एंड हॉर किसका कमेंट रहा है कि हीरो जो हैं गलसवर्दी के ड्रामा के वो अनसिन फेट हैं मॉडर्न एग्जिस्टेंस में अनसीन फेट ऐसा भाग्य जो नहीं देखा हमने अगेंस्ट विच वी पुअर मोरटल्स जिनके खिलाफ़ हम क्या करते हैं गरीब हम नश्वर प्राणी कैन बट पिटीफुली क्राई निराशा में हम चिल्लाते हैं डर में भय में चिल्लाते हैं निकॉल ओलिवर, एल्टन सैमसन none ऑफ दीज तो कौन कहता है इस बात को वो कहता है फ्रेंड्स निकॉल वॉर इज़ वॉर हु इज स्पीकर लड़ाई तो लड़ाई होती है कौन कहता है रॉबर्ट्स हार्नस फाल्डर या एंथनी? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स डेफिनेटली लड़ाई तो लड़ाई होती है अब सोचिए जरा कौन कहता होगा रॉबर्ट्स या एंथनी या फाल्डर चलिए हिंट देता हूँ मैं स्ट्राइफ की लाइन है जस्टिस की नहीं है और कहने वाला है इस बात को कौन कहता है फ्रेंड्स एंथनी कहता है वॉट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इट इज़ अनजस्टिस टू अनदर जो एक व्यक्ति के लिए न्याय हो सकता है श्रीमान दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है वो इनजस्टिस हो सकता है कौन कह रहा है इस बात को रॉबर्ट्स हार्नेस फाल्डर या एडगर तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये एडगर की है अब देखिए पढ़ाने में इतना बिजी हो गया यही नहीं पता लगा कितने क्वेश्चन अभी कवर करने हैं चलिए हंड्रेड क्वेश्चन तक तो हम कर चुके वन जीरो फोर चलिए लेक्चर यहीं कंप्लीट कर दें अदरवाइज़ मैं बोर नहीं होऊंगा आप बोर हो जाएंगे और बाकी फिफ्टी क्वेश्चन यानी वन फिफ्टी तक नेक्स्ट इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो